नमस्कार दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बसरा से दोहा तक का सफ़र। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे दिल्ली की भी फ़्लाइट लेंगे हम, उसकी भी वीडियो दिखाएंगे आपको। इस सफ़र के 3 या 4 पार्ट बन सकते हैं। मैंने ये फ्री सफ़र कैसे किया मैं आपको आगे बताऊँगा। मेरा चेक इन हो गया है और मुझे दोनों बोर्डिंग पास मिल गए हैं, बसरा से दोहा का और दोहा से दिल्ली का। इस समय PCR टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है और उसमें अपने नाम की स्पेलिंग ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हुई थी, कुछ प्रॉब्लम थी मेरी नाम की स्पेलिंग में। सिक्योरिटी, चेक इन, इमिग्रेशन सब कुछ मैंने क्रॉस कर लिया है और अब मैं बोर्डिंग के लिए वेट कर रहा हूँ। थोड़ी देर में बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, उससे पहले चलिए आइए थोड़ा सा मैं आपको ये एयरपोर्ट दिखा देता हूँ। ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट नहीं है ये, मुश्किल से 2-4 दुकानें ही हैं यहाँ पे, पर जितना एयरपोर्ट है उसके हिसाब से ठीक ही है। ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट है नहीं ये, तो जिस हिसाब से एयरपोर्ट है उस हिसाब से 2-4 दुकानें हैं। ये देखिए, एक दुकान ये है और एक दुकान इस तरफ है। अभी मैं आपको थोड़ी देर में दुकानों की पूरी डिटेल दिखाता हूँ, आपको लेकर चलता हूँ दुकानों पर, देखते हैं वहाँ पर क्या क्या मिलता है और मैंने क्या ख़रीदा वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो चलिए आगे चलते हैं। ये देख सकते हैं आप, बोर्डिंग के लिए ये वेटिंग एरिया है यहाँ पे और यहीं से हम शॉपिंग कर सकते हैं। कुछ दुकानें हैं, इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा आपको, हम जो शॉपिंग कर सकते हैं यहीं से कर सकते हैं। एक ये गिफ्ट शॉप है यहाँ पर, इस तरफ टॉयलेट बाथरूम है, उस तरफ एक शॉप है और इस तरफ एक वाइन शॉप है, उधर बोर्डिंग गेट है। इस शॉप पर काफ़ी अच्छे आइटम मिलते हैं, देखने में काफ़ी सुंदर आइटम है पर थोड़े से कॉस्टली होते हैं। दोस्तों जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये अलादीन का चिराग है, अलादीन का चिराग मालूम है ना, बगदाद का। तो दोस्तों हमने इस शॉप से एक पर्स लिया है, ये $12 का पड़ा है हमको, काफ़ी अच्छा लेदर है इसका, इस बढ़िया लगा इसलिए ले लिया वाइफ के लिए, कुछ तो गिफ्ट ले जाएं, वाइफ के लिए कुछ लिया ही नहीं था तो यहाँ से मैंने ले लिया है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये वन शॉप है यहाँ पे, ग्रीन लेबल, ब्लैक लेबल, डबल ब्लैक, रेड लेबल। ग्रीन लेबल का प्राइस 60, इसका नहीं लिखा हुआ, इसका भी मुड़ा हुआ है। ब्लैक का 47 है, रेड का 22 और ये देख सकते हैं आप वाइन शॉप। वोड का $70 और माउंटेन कैडेट 15, ये भी 15, ये 16, वो 20, जेम्स 30। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे वाइन शॉप, ये इराकी दारू लग रही है, देसी वोड का, बकाड़ी, जैक डैनियल, जैक डैनियल डिंपल, गोल्ड लेबल, प्राइस नहीं लिखा है। चीवास रीगल 42, चीवास रीगल गोल्ड सिग्नेचर 99। ये वाइन शॉप के अंदर ही एक शॉप है, साथ में है दोनों ये, और इसमें परफ्यूम और बाकी गिफ्ट आइटम्स काफ़ी चीज़ें मिल जाते हैं, जैसे सनग्लास, बैग्स, कुछ क्लॉथ्स मिल जाते हैं, जैसे आप कुछ सामान भूल गए हो तो यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। काफ़ी अच्छी शॉप है, अच्छे आइटम मिल जाते हैं यहाँ पे। तो भैया बोर्डिंग की अनाउंसमेंट हो गई है और अब हम बोर्डिंग के लिए चलते हैं। सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है यहाँ पे, बोर्डिंग
गेट पे ही अभी मेरी चौथी बार यहाँ पे चेकिंग हुई है, एयरपोर्ट पे एंट्री करने से लेके और यहाँ तक अभी चौथी बार मेरा बैग चेक हुआ है यहाँ पे। तो काफ़ी टाइट सिक्योरिटी है यहाँ पे। अभी ये सिक्योरिटी क्रॉस करने के बाद भी एक लॉन्च में हमें बैठा दिया गया है और शायद यहाँ से अब हमें फ़्लाइट के लिए ले जाया जाएगा। बोर्डिंग गेट पर यह लॉन्च बनी हुई है, यहाँ पे हमें भी बैठाया गया है। On behalf of Qatar Airways and my colleagues, it's my pleasure to welcome you to flight QR447, operating in conjunction with British Airways Department 2000. We ask you to kindly remain seated until you are called to board. भाई अपनी बोर्डिंग हो गई है और अब हम चल पड़े हैं अपने गेट की तरफ और अब हम बैठेंगे अपनी बस में या फिर अपने स्टाफ वाले कार भी ला सकते हैं भाई, नहीं तो बस में तो बैठना ही है। बाय बाय। तो भाई अब हम चल पड़े अपनी फ्लाइट की तरफ। ये हमारी फ्लाइट है, ये हमारे दोस्त लोग हैं और ये अपना एयरक्राफ्ट आ गया है और एयरक्राफ्ट में। ओके साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं। ओके सर, कुल्लू सलाम सर। ये अपना एयरक्राफ्ट है, अपने एयरक्राफ्ट में बैठेंगे। ये अपनी फ्लाइट है, फ्लाइट में एंट्री कर रहे हैं भाई साहब, बड़ी तेज हवा। फ्रेंड्स थैंक यू, हम अपनी फ्लाइट में बैठ चुके हैं जैसा कि आप देख रहे हैं और बाहर का भी व्यू अभी दिखा रहा हूँ आपको। थैंक यू। तो इन्होंने उनको अभी ये दिया हैंड वॉश के लिए और एक ये किट दी है, इसके अंदर मास्क वगैरह हैंड सैनिटाइजर होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते रहिए। तो भाई फ्लाइट पुश हो गई है, हम टैक्सी वे की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए थोड़ी देर में टेक ऑफ करेंगे। If you plan to sleep during the flight, please keep your seatbelt fastened and visible to cabin crew. By the way. Offside. No, no way around it. See? Should have been wearing a seatbelt. What are you lot doing? Seriously, Rob, get a grip. For safety reasons, with the exception of handheld PEDs in flight mode, the use of electronic devices is not permitted for takeoff and landing. तो भाई ये हम चल पड़े हैं रनवे की तरफ बढ़ते हुए। जल्दी थोड़ी देर में हम रनवे पर होंगे और आज मैं आपको टेक ऑफ दिखाऊंगा। और ये अब हम टेक ऑफ की तरफ बढ़ते हुए, कोई रुकने की ज़रूरत नहीं, अब हम डायरेक्ट टेक ऑफ करेंगे। देखिए फ्लाइट अब सीधा ही टेक ऑफ ले रही है। और ये हमने टेक ऑफ कर लिया है, ये देखिए अपना एयरपोर्ट है, कैसा दिख रहा है यहाँ से। ये अपना कार्गो है और पीछे उसके कैंप दिख नज़र आ रहा है, देखिए काफ़ी अच्छा नज़ारा दिख रहा है यहाँ से। ये कैंप के लेफ्ट साइड में जो आर्मी बेस है वो दिख रहा है। इस तरफ हम कभी जा नहीं पाते, बस ऊपर से अब देख पा रहे हैं, पहली बार कभी देखा ही नहीं हमने ये।
मौसम आज थोड़ा धूल भरा है, काफ़ी धूल मिट्टी उड़ रही है, इस वजह से क्लियरिटी नहीं नज़र आ रही है बिल्कुल भी, पर फिर भी थोड़ा बहुत दिख रहा है जो ठीक ही दिख रहा है, देखने में तो कम से कम आ रहा है। देख सकते हैं आप, ये बसरा है, बसरा देखिए, यहाँ पे काफ़ी पानी भरा हुआ है, साइड में एक कनाल निकल रही है जो कि सीधा समंदर से आती है और बसरा सिटी तक जाती है। वाटर की सप्लाई मेरे ख्याल से इसी से ही होती होगी, यहाँ पे इसी को फिल्टर करके अच्छा पानी बनाया जाता होगा, पूरी सिटी में सप्लाई इसी से ही होता होगा। तो दोस्तों सफ़र काफ़ी लंबा है और एक वीडियो में ये सारे वीडियो आ नहीं पाएंगी, तो इसलिए मैंने वीडियो के काफ़ी पार्ट बनाऊंगा आगे में, देखिएगा आप सभी पार्ट देखिएगा। अभी अगले पार्ट में मैं फ़्लाइट के अंदर की पूरी डिटेल आपको दिखाऊंगा कि हमें खाना कैसा मिला है, यहाँ की सीटें कितनी खाली है, क्या सिस्टम है, टॉयलेट्स आपको दिखाऊंगा इस फ़्लाइट के कैसे हैं, ठीक है। तो इस फ़्लाइट के बारे में मैं आपको काफ़ी बताऊँगा अगली वीडियो में, पूरा फ़्लाइट के बारे में आपको मैं बताऊँगा। उसके बाद चलेंगे हम दोहा एयरपोर्ट पर, दोहा एयरपोर्ट के अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर नज़ारे मैं आपको दिखाऊंगा और वीडियो के अंदर, और उसके बाद हम सफ़र करेंगे दोहा से दिल्ली का, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी वीडियोस को एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये हमारा नया चैनल है तो इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये फ्री सफ़र कैसे किया है, इसकी पूरी डिटेल मैं आपको दूंगा, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।